प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। इंग्लिश अगर हमें तनिक भी नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमें निराश नहीं होना है कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है, हमें मेहनत करनी है। तो यह वीडियो खास करके विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो अंग्रेज़ी में निहायत कमज़ोर हैं, जो यह सोचकर निराश हो गए हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना और बोलना कभी नहीं आ पाएगा। आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको लगन तथा तल्लीनता की आवश्यकता है। आप ऐसी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे कि जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आपको अपने शब्दों का ज्ञान बढ़ाना होगा, शब्दों का भंडारण करना अति आवश्यक है। आप जितना ही शब्दों का संग्रह करेंगे, जितना ही आपको अंग्रेज़ी के वर्ड याद होंगे, उतना ही आपको अंग्रेज़ी अच्छे तरह से आएगी। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको कुछ इंग्लिश के नियमों के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप टेंस के बारे में पढ़ें। तो आज हम लोग इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या है? टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। तो काल माने समय। तो काल तीन प्रकार के होते हैं, तीन हैं। तो इनको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस तरह से टेंस तीन हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। हर काल के अलग अलग चार पार्ट होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में हर चारों पार्टों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के चार भेद हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे कहा जाता है अपूर्ण काल। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको कहा जाता है पूर्ण काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कहा जाता है कि पूर्ण काल। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। पहला देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से चार भेद इसके हो गए। और इसी तरह से फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं। तीसरा, फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्यत काल कहा जाता है। तो इसके भी चार भेद हैं, उनके भी देखिए। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से सब मिला करके भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, सबका मिला करके कुल 12 टेंस हैं। इन 12 टेंसों को आपको अलग अलग इनके बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित वर्तमान काल, अर्थात इसमें काम अनिश्चित होता है, कोई निश्चितता नहीं होती, इसलिए इसको अनिश्चित वर्तमान कहा जाता है। इसको आप एग्जाम्पल की तरह भी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानें कि इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में आ है ती है लगा रहता है। इस तरह से हम इसकी पहचान पढ़ लेंगे। तो पहचान क्या है? तो पहचान इसकी है कि हिंदी वाक्य के अंत में आ है, ती है, तू, ती हूँ आज लगा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
को हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे लिखा रहे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, अगर लिख दिया जाए कि मैं किताब पढ़ता हूँ, देख रहे हैं पढ़ता, लास्ट में ता हूँ आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हम यह अनुवाद जो आप करने जा रहे हैं तो आप इसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में करेंगे। क्योंकि आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि मैं घर जाता हूँ, तो आप लोग तुरंत बोल देते हैं कि आई एम गो होम। आई एम गो होम ये आपका तुरंत जवाब होता है और ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको पढ़ना है। पूछा जाता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो कहते हैं कि आई एम गो स्कूल, तो आई एम या इस तरह से इसमें नहीं लगाना है। आपको भूल जाना है कि इसमें एम या आर या इज का प्रयोग नहीं करना है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसकी पहचान तो हो गई कि हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर ता है, ती है, ते है लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका आपको अनुवाद का नियम भी आना चाहिए। तो इसके अनुवाद का नियम क्या है? इसके अनुवाद का नियम ये है कि देखिए, सबसे पहले हम अंग्रेजी में जब हिंदी का अनुवाद करते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, इसके बाद क्रिया लिखा जाता है, तब फिर कर्म लिखा जाता है। लेकिन हिंदी में आप देखते हैं, हिंदी में सबसे पहले कर्ता रहता है, इसके बाद कर्म होता है, तब क्रिया लिखी जाती है। लेकिन अंग्रेजी में सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, कर्ता को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं, और क्रिया को वर्ब और कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता लिखने के बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया लिखने के बाद तब कर्म लिखते हैं। इसके बाद आपको कुछ और नियम को ध्यान में रखना है। जैसे अगर कर्ता एक वचन का है तो आपको क्या करना है? अगर कर्ता एक वचन का होगा या कर्ता एक वचन का रहता है, तो आपको मुख्य क्रिया में और वह भी मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आपको यस या ईएस लगा देना है। तो पहला नियम क्या है कि यदि कर्ता एक वचन का हो तो मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे लिखा गया कि राम किताब पढ़ता है, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे राम रीड्स बुक। देख रहे हैं इसमें यस लगा दिया गया है। अनुवाद के नियम के साथ साथ हमें ये भी जानकारी रखना आवश्यक है कि जिस वाक्य का हम अनुवाद करने जा रहे हैं वह किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य चार प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो सेंटेंस मुख्य रूप से होते हैं जिसको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पॉजिटिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो सकारात्मक वाक्य होता है। जैसे लिखा रहे वह घर जाता है, मैं पढ़ता हूँ, विद्यार्थी स्कूल जाता है, बच्चा बाजार जाता है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनको हम कहते हैं ये सिंपल सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव हैं। और नेगेटिव उसको कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट या नेवर लगा होता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखा रहे कि मोहन घर नहीं जाता है, तो देख रहे हैं मोहन लिखा गया है कि मोहन घर नहीं जाता है, तो ये देख रहे हैं ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका अनुवाद आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि मोहन डज नॉट गो होम। देख रहे हैं जब डज लगा देंगे तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाना है। डज लगाने के बाद आपको मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। मोहन घर कभी नहीं जाता है, तो इसका अनुवाद लिखेंगे कि मोहन नेवर गोज होम। देखिए यहाँ मोहन नेवर गोज होम, यहाँ पर गोज लगाएंगे और होम लिखेंगे।
इसके बाद देखिए प्लूरल अगर रहेगा, प्लूरल किसे कहते हैं, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, अगर ये सब हैं तो इसको हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल माने बहुवचन। तो इन सबको हम बहुवचन की तरह इनका उपयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर रहे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, तो हम लिखेंगे क्या, आई नेवर टेल ए लाई, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद लिखेंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट टेल ए लाई। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या है, आप कैसे जानेंगे कि यह वाक्य प्रश्नवाचक है। तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे इसके परिभाषा क्या होगी कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर लिखा रहे क्या वह खाना खाता है, तुम क्यों हंसते हो, इस तरह से देख रहे हैं इसमें क्या लगा है, क्या इसमें प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ देखिए क्यों लगा है तो क्यों भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो अनुवाद का नियम क्या होगा, तो इसमें देखिए इस तरह के अगर वाक्य हैं प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए अनुवाद के नियम, तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अनुवाद के लिए आपको ध्यान देना होगा कि वाक्य किस प्रकार का है। तो वाक्य को दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसको कि एक को कहा जाता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप किसको कहा जाएगा, फर्स्ट टाइप उसको कहा जाएगा कि जब क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले लगा हो, तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं कि यह फर्स्ट टाइप का है। क्या अगर पहले लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि यह वाक्य फर्स्ट टाइप का है। और इसको आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि अगर हम लिख दें कि फर्स्ट टाइप का, आप कैसे समझेंगे कि फर्स्ट टाइप का है, तो फर्स्ट टाइप के वाक्य को आपको समझने के लिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे लिखा रहे कि क्या तुम घर जाते हो, ये देखिए हो गया फर्स्ट टाइप का। इसमें देख रहे हैं क्या आप सबसे पहले लगा है, इसलिए ये फर्स्ट टाइप का हो गया। इस तरह से अगर लिखा रहे कि क्या, अगर लिखे रहे क्या हम स्कूल जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह फर्स्ट टाइप का क्या पहले लगा है। तो अगर इस तरह का क्या पहले लगा है तो आपको इसका अनुवाद कैसे करना है ये भी आपको देखना है। तो अगर क्या सबसे पहले लगा है तो इसको कहा गया फर्स्ट टाइप, और इसका अनुवाद कैसे करना है आपको ये ध्यान देना है कि इसका अनुवाद करने के लिए आपको डू या डज का प्रयोग करना है। अब डू का प्रयोग कहाँ करना है और डज का प्रयोग कहाँ करना है, तो डू का प्रयोग करेंगे अगर कर्ता प्लूरल का होगा, प्लूरल अर्थात ये बहुवचन होगा, तो आपको डू का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आई है, यू है या वी है, तो इसके साथ भी आपको डू का प्रयोग करना है, और अन्य के साथ डज का प्रयोग करना। जैसे राम लिखे रहे, श्याम लिखे रहे, मोहन लिखे रहे, एक वचन का अभाव जहाँ व्यक्त हो तो वहाँ पर आपको डज का प्रयोग करना है। जैसे अगर लिखा है क्या तुम घर जाते हो, तो देख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे कि डू यू गो होम। क्या हम घर जा रहे हैं, तो इसका भी आप क्या लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे कि डू वी गो होम। लेकिन अगर यहीं पर लिखे रहे क्या मोहन घर जाता है, तो आप लिखेंगे, और इन सब के आगे प्रश्नवाचक भी आपको लगाना है, ध्यान देना है। अगर लिखा कि डज क्या मोहन घर जाता है, तो आप लिखेंगे डज मोहन मोहन गो होम, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। सेकंड टाइप उसको कहते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो उसे हम सेकंड टाइप का वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर क्यों जाता है, तो इसमें देख रहे हैं क्यों
पहले बीच में लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं क्यों बीच में लगा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सेकंड टाइप का है। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो इसका अनुवाद हमें करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद कर्ता के अनुसार डू अथवा डज लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, कर्ता लिखने के बाद क्रिया कर्म को लिखेंगे। तो कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे हाउ, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सबको आपको याद रखना है। तब व्हाट किसको, व्हाट व्हाट माने क्या होता है, आप जानते हैं कि व्हाट माने, व्हाट का मतलब होता है, इसको कहते हैं क्या, और व्हाई, व्हाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब, व्हेन का अर्थ होता है कब, हाउ का अर्थ होता है कैसे, हुम का अर्थ होता है किसको। इस तरह से आपको प्रश्नवाचक शब्दों को याद रखना है। प्रश्नवाचक शब्दों को याद रखने के साथ साथ अब आपको इनको कैसे उपयोग करना है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे अगर वह घर क्यों जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वाई डज, सबसे पहले आप वाई लिखेंगे, इसके बाद डज लिखेंगे, इसके बाद वाई डज ही गो होम, इस तरह से इसका अनुवाद करेंगे, यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। तुम खाना कब खाते हो, अगर इस तरह का लिखा गया तो क्या लिखेंगे, तुम खाना कब खाते हो, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन, व्हेन आपको पहले लिखना है, लिख देंगे व्हेन, अब डू लगाएंगे क्योंकि यू है, तो व्हेन डू यू ईट फूड, व्हेन डू यू ईट फूड। वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, इसका अनुवाद क्या करेंगे, इसका अनुवाद लिखेंगे कि वेयर, वेयर माने कहाँ हो गया, वेयर डज ही गो, इस तरह से इसका अनुवाद करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम अनुवाद में, इसका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वर्ब लिखना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर कर्ता एकवचन का रहेगा, सब्जेक्ट एकवचन का होगा, तो आपको मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगाना है। इसके अतिरिक्त आपको अन्य के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है, जैसे आई हो, वी हो, इस तरह के जब हो तो इनके साथ हमेशा आपको यस या यस नहीं लगाना है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।